हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निकम। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। सो गाइस, कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो हमारे पास जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, उनके एनालिसिस करने के लिए कोई भी कल का चार्ट अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं कल के दिन के ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, यानी कि मंडे को जो भी ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोगों को एक्सपेक्टेड है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे कल के दिन की पहली कॉल के साथ में, वो रहेगी एलटी की, यानी कि लार्सन एंड टर्बो की। अगर आप लोग यहाँ पे पैटर्न देखोगे गाइस लार्सन एंड टर्बो का, सो यहाँ से एक डाउन साइड का फॉल आने के बाद में यहाँ पे एक रिकवरी होके फिर से और एक बार डाउन साइड में आ गया था, और फिर से और एक साइड अपसाइड का मोमेंटम दिया था। यानी कि यहाँ पे इसका नेकलाइन बन रहा है, जो कि हम लोगों का डबल बॉटम पैटर्न है, और सेम टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे एक डबल टॉप भी मिल रहा है। सो आइदर किसी भी साइड में हम लोग को एक पावरफुल ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। 1873 के ऊपर बुलिश है, 1878, 84 और 90 हम लोग के अपसाइड के लेवल से 1860 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आती है तो 1860 के नीचे बेयरिश है, 5651 और 46 डाउनसाइड के लेवल से 1873 हम लोग का स्टॉप लॉस है। बात करेंगे गाइस कल के दिन की दूसरी कॉल के बारे में, वो रहेगी आइशर मोटर्स की। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी यूट्यूब चैनल रहेगी जो आप लोग को इस टाइप की एक्यूरेसी जो है वो देती हो। अगर आप लोग मेरी एक्यूरेसी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर स्क्रॉल करके देख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे, एजुकेशनल लग रहे, और आप लोग मेरे वीडियो से पैसा भी बना पा रहे हो, यानी कि मेरे जो भी ब्रेकआउट स्टॉक्स है, फिर मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के जो भी लेवल्स देता हूँ, इनसे अगर आप लोग पैसा कमा पा रहे हो गाइस, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते। तो कल के दिन की दूसरी कॉल रहेगी आइशर मोटर्स की। यहाँ पे अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ, सो मुझे यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न दिख रहा है। सो यहाँ से सपोर्ट लेकर के कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपना अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रेडिक्शन लग रहा है। सो 2644 के ऊपर आइशर मोटर्स बुलिश है, 2610, 20 और 31 अपसाइड के लेवल से 2590 स्टॉप लॉस है। इनकेस अगर इसमें बाइंग नहीं आती तो 2590 के नीचे बेयरिश है, 8578 और 70 डाउनसाइड के लेवल से 2604 आप लोग का स्टॉप लॉस है। गाइज, आप लोग जब भी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोग को एक चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि जो भी हम लोगों का बाई अबो का लेवल है उसके ऊपर कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और जब अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी हम लोग अपने ऑर्डर्स को मैन्युअली ट्रिगर करेंगे, ना कि हम लोग ऐसे लेवल्स पे सिर्फ प्राइस के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन का जो सेटअप है वो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर यही लाइन आप लोग का स्टॉप लॉस है, सो कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, और अगली कैंडल जब इसका लो ब्रेक करेगी तब आप लोग अपना स्टॉप लॉस को मैन्युअली ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि आज तक यानी कि 197 एपिसोड्स तक मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। यानी कि जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स देते रहते हो आप लोग को, इनमें कभी भी स्टॉप लॉस आज तक हिट नहीं हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसमें स्टॉप लॉस कभी भी ना हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी 365 एपिसोड्स ऐसे बनाओ जिनमें आप लोग को कोई भी स्टॉप लॉस हिट ना हो। और गाइस, जो भी स्टॉक्स आप लोग को मैं यहाँ पे देते रहता हूँ, सारे के सारे FNO के स्टॉक्स रहते हैं, यानी कि आप लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग को एट द मनी या फिर इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस को सिलेक्ट करना है, आउट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पर ट्रेड करने के लॉजिक जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। सो अगर आप लोग एक बिगिनर है तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इन द मनी और एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस को ही सिलेक्ट करना चाहिए। कल के दिन की तीसरी कॉल रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देख लीजिए, यहाँ से एक फॉल आया था हम लोग को देखने, हालांकि मार्केट में बहुत गिरावट आई थी आज के दिन में, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। एक गिरावट के बाद में सिंगल कैंडल में इसने आज के दिन का अपना जो रिकवरी है वो रिकवरी दे दिया था, और रिकवरी के बाद में फिर ये नीचे आने के बाद में फिर से और एक बार रिकवर हो गया था, जो कि अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो करते हो तो मैंने आप लोग को पीई की कॉल पोस्ट की थी। पीई की कॉल में मैंने कहा था कि सेफ पीपल बुक कर लो, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, और एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स हो भी गया था, जो कि हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट पे चले जाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ से एक रिकवरी मिला था गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, एंड देन अगेन एक फॉल हम लोग को देखने को मिला था जो कि इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा था। सो हम लोग इसको यहाँ पे एक डबल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं। 1564 के ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बुलिश है, 67, 72 और 78 अपसाइड के लेवल से 1554 आप लोग का स्टॉप लॉस है।
इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आती तो 1554 के नीचे बियरिश है, 1550, 46 और 40 डाउनसाइड के लेवल से 1564 आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके बाद में गाइज हम लोग बात करके मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैजिकल लेवल्स के बारे में। सो देख लीजिए, आज यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा था, एग्जैक्टली जाकर के टेलीग्राम पे चैनल कर लीजिए, मैंने कहा था यू टर्न आएगा और हम लोग को यहाँ पे एक निफ्टी में यू टर्न मिला था। मैंने बैंक निफ्टी के बारे में भी बोला था, जब बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग निकल जाएंगे तब सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूँगा आप लोगों को। सो देख लीजिए गाइज, यहाँ पे जिस टाइप का पैटर्न बना है हम लोग इसे इवनिंग स्टार के पैटर्न के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर कल इस कैंडल का डी लो चला जाता है तो ही हमें डाउनफॉल मिलने वाला है, अगर इसका हाई चला जाता है तो हम लोग को एक अपसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा, एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस भी लेगी निफ्टी, लेकिन अगर कल के दिन में अगर डी लो चला जाता है तो हम लोग को एक डाउनफॉल जो है देखने को मिल सकता है मार्केट में। हालाँकि आज का जो हम लोगों को जो डाउनफॉल मिला है वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो अपना एक रिकवरी मोड में था, अपसाइड के मोड में था। एग्जैक्टली यहाँ पे और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, सॉरी इस लेवल्स पे इसने रेजिस्टेंस लिया था। सो फिर से और एक बार जा रहा था तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस होने का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बड़ा गैप डाउन आज हम लोग को मार्केट में मिला था। सो कल के डे लो के नीचे, आज के डे लो के नीचे कल अगर मार्केट खुलता है या फिर ट्रेड करना शुरू कर देता है, कोई भी 3 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है सो हम लोग को एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। हालांकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, सो मैंने आप लोगों के लिए अपसाइड डाउन साइड दोनों लेवल्स दे करके रखे हुए, जिस किसी भी साइड में मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखेगा हम लोग उस साइड में डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। 17,380 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 421, 462, 504 और 540 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आती तो 17,330 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 300, 267, 227 और 170 हम लोग के डाउनसाइड के लेवल से। बात करेंगे बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में और मेरे प्रिडिक्शन और मेरे व्यू के बारे में। सो गाइज, अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग के जो भी फीडबैक्स हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और गाइज, आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने LISBLUE का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उस लिंक थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं। सॉरी, ऑब्वियसली आप लोग को सेम अकाउंट में ही ट्रेड करना होगा। सो गाइज, अगर मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर के बारे में बात करूँ, सो मुझे यहाँ पे एक अपसाइड का मूव मिला था, देन एक फॉल आया था, फिर एक अपसाइड का मूव, फिर एक फॉल आया था और फिर एक और एक अपसाइड का मूव। सो अगर मैं इसको सारे ये सारे कनेक्टिंग डॉट्स को अगर मैं जोड़ दूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक नेकलाइन बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है। और एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की यहाँ इस लेवल पे भी इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, जो कि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में बनता हुआ दिख रहा है। सो बैंक निफ्टी के साथ में सेम चीज़ रहेगी गाइज, ये जो आज के दिन का लो है, डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं, ये लो जब कल के दिन में चला जाएगा सो डेफिनेटली हम लोग को डाउन साइड में बहुत ही सुपीरियर मूव एक्सपेक्टेड है। सो बैंक निफ्टी को लेकर के मैं बेयरिश हूँ, निफ्टी को लेकर के भी मैं बेयरिश हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को अपसाइड और डाउन साइड के लेवल्स जो है वो देते रहता हूँ, अगर हम लोग का प्लान ए फेल हो जाता है तो हम लोग के पास में ऑलवेज प्लान बी होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ में दोनों लेवल्स जो है वो शेयर करते रहता हूँ। 38,400 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर बियरिश है, 302, 192, 38,087 और 936 हम लोग के डाउनसाइड के लेवल से। इन केस अगर ये हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से डाउनसाइड में नहीं आता है या फिर डेलो को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हो जाता या फिर किसी न्यूज़ के कारण अगर इसमें गैप अप ओपनिंग आ जाती है तो भी कोई आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग के पास में अपसाइड के भी लेवल्स जो है वो रेडी है, जो कि मेरी मैजिकल लेवल्स है। 38,530 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 609, 697, 782 और 908 हम लोगों के अपसाइड के बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे। सो गाइज, मैंने आप लोग के साथ में अपने बेहतरीन 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स को शेयर किया हुआ है, जिनकी एक्यूरेसी अभी तक 100% की है। कोशिश रहेगी 365 एपिसोड्स तक मैं इसे बरकरार रख सकूँ।
और गाइस, मैंने आप लोग के साथ में अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैजिकल लेवल्स भी शेयर करके रखे हुए। इनके साथ में आप लोग को बस थोड़ा सा सेफली प्राइस एक्शन यूज़ करके ट्रेड करना है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।